नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, हमने साइज के हिसाब से इसे कट कर लिया है। शोल्डर इसका 5.5 इंच लिया है, आर्म होल 6 इंच लिया है और लंबाई इसकी तैयार 13 इंच होगी। 32 इंच साइज का ब्लाउज डिजाइन है, डीप नेक के लिए का डिजाइन है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने अस्तर और कपड़े को जोड़कर तैयार कर लेना है। उसके बाद जो ज़्यादा कपड़ा था उसे हमने कट कर दिया है। अब सेंटर मार्क कर लेना है। उसके बाद अब गले की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए, हमने ये बुकरम लिया है और इसी के ऊपर गले की कटिंग कर लेना है। चौड़ाई ले लेंगे 2.5 इंच। गहराई हमने 10.5 इंच ली है। अब इसको कट कर लेना है। यहाँ से देखिए, थोड़ा सा बचाते हुए कट करेंगे ताकि जो गले की चौड़ाई है वो ज़्यादा ना हो। तो ऊपर हमने नहीं कट किया है, इससे चौड़ाई बराबर रहेगी। अब देखिए, इसको हमने कपड़े पर रख के गले वाली साइड में सिलाई लगा दी है, या तो आप प्रेस करके इसे पेस्ट कर सकते हैं। बाहर वाली साइड से थोड़ा सा कपड़ा बचा कर कट किया था, तो उस कपड़े को फोल्ड करना है और सेंटर मार्क इस पर भी कर लिया है। दोनों निशानों को मिला कर रखेंगे और पहले भी जो भी चेक सिलाई डाल देंगे। उसके बाद पूरे गले पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, हमने गले पर सिलाई लगा दी है। उसके बाद इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद कट लगा दिया है। अब एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे। तो इस तरह हमारा गला बनके तैयार हो गया है। अब इस पर डिजाइन बनाना है। तो सबसे पहले गले पाइपिंग पट्टी कट करेंगे। तो पाइपिंग पट्टी हमने कट कर ली है, एक तरफ से इस पर मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। उसके बाद सबसे पहले गले पर पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरह से पाइपिंग बना लेनी है। तो देखिए, गले पर हमारी पाइपिंग बन गई है। अब यहाँ पर इस तरह से हमने बुकरम से कपड़ा बुकरम कट किया है। अब देखिए, यहाँ से 2.5 इंच ले लेंगे। और इस तरह से 2.5 इंच पर इस तरह डिजाइन बनानी है। उसके बाद इसे कट कर लेना है। अब देखिए, कपड़े पर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए कपड़े पर रखकर हमने सिलाई लगा दी है, उसके बाद इसको कट कर लेना है। तो इस तरह देखिए कट कर लिया है, अब इस पर भी पाइपिंग बना ले रही हैं। तो इस तरह देखिए पाइपिंग बना देना है, इसी तरह दूसरी वाली डिजाइन पर भी पाइपिंग बना देंगे। तो इस तरह हमने चार डिजाइनें लेनी हैं, तो दो डिजाइनें हमने पहले ही बना ली थी। अब देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से लगाना है, तो सेंटर मार्क जहाँ से गले का है तो वहाँ से देखिए इस तरह से मिला लेंगे दोनों साइड से, और इसे बराबर से मिला कर ही सेट करना है। पहले मिला लेना है, उसके बाद देखिए यहाँ पर पिन लगा देंगे। दूसरी साइड से भी इसको इस तरह से मिलाना है। पहले एक साइड की डिजाइन पर सिलाई लगा देंगे, उसके बाद दूसरी साइड की बनाएंगे। तो देखिए दूसरी साइड की डिजाइन इसी तरह से इसको भी लगा लेना है। तो इस तरह देखिए दोनों साइड डिजाइन को हमने बना दिया है। अब यहाँ पर लेंगे 3 इंच का चौकोर कपड़ा, और देखिए इस तरह से इसको गोलाई में कट कर लिया है एक साइड से, और अस्तर और कपड़ा साथ में ही हमने कट किया है, तो दोनों पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद पलटते हुए एक सिलाई और लगा देंगे। अब इस पर पाइपिंग बनाएंगे, तो ये लटकन के लिए लटकन बनाएंगे। अब इसको अंदर की तरफ पलटना है, लटकन का जो सिलाई वाला कपड़ा है उसको अंदर की तरफ पलट। तो इस तरह देखिए दोनों लटकन को बना लेना है पहले। तो देखिए दोनों लटकन बना दिए हैं, अब यहाँ पर दो बटन लगाएंगे। तो देखिए 3 बटन लेंगे, एक बटन हमने बीच में लगा दी है, दो एक एक ऊपर नीचे, उसके बाद ये लटकन लगा देना है। तो इस तरह देखिए मोती डाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे। तो दोनों लटकन हमने लगा दी है, अब लास्ट में इसका हम प्लेट बना देंगे।
तो देखिए डिजाइन हमारा बन गया है। लास्ट में इसका प्लेट बना देंगे। अगर डिजाइन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।